हेलो YouTube फैमिली, आज हम बनाने जा रहे हैं सिमइयों का जर्दा। ये हमने 100 ग्राम सिमइयाँ ली हैं, 100 ग्राम चीनी ली है, 100 ग्राम मावा लिया है, फूड कलर लिया है और काजू बादाम नारियल लिया है। ये हम इसमें डालेंगे। हम कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है, ऐड कर दिया है, सफ़ेद इलायची ऐड कर दी है, हमने सिमई ऐड कर दी है। सिमई हम अच्छे से भून लेंगे, इन्हें हमें अच्छे से चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाती हैं। ये हमें चलाते रहना है। ये देखिए भून चुकी हैं सिमई हमारी, बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आया है। अब हम ये निकाल लेंगे। सिमई हमारी भुन गई हैं बहुत अच्छे से। हमने घी ऐड कर दिया है, सफेद इलायची डाल दी है, हम काजू बादाम भून लेंगे। ये भूनने से होता है जब क्रंची हो जाते हैं, खाने में ज़रा अच्छे लोग होते हैं ये। ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, हल्के से ही रोस्ट करना है और निकाल लेना है। हमने पानी ऐड कर दिया है 1.5 गिलास। अब शक्कर डाल देंगे और हमें चलाते रहना है। उबाल आ जाएगा, खूब अच्छे से शक्कर घुल जाएगी, तभी हमें ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। बस शक्कर घुलने ही तक हमें पकाना है। अब इसमें हम फूड कलर डाल देंगे, पीला जर्दे वाला। अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम सिमइयाँ ऐड कर देंगे। ये ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, नहीं तो जर्दे के रंग सिमइयाँ का भी जर्दा ऐड जाता है। ये हमने सिमइयाँ इसमें डाल ली हैं, हमें अच्छे से चला के ये इसमें चलाते रहना है, क्योंकि पूरी सारी सिमई भीग जाए इसके किमाम में। हमने नारियल ऐड कर दिया है, अब हम ढक देंगे इसको, 5 मिनट पकाएंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, अब देखिए हमारी सिमइयाँ चूँकि, अब हम मावा डाल देंगे इसमें। मावा ऐड कर दिया है, जैसे ये जर्दा हमारा तैयार हो चुका है। मावा डालने से अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छी टेस्टी बनती हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे काजू बादाम। एक मिनट के लिए और दम कर देंगे। ये हमारी सिमइयाँ बन चुकी हैं, देखिए बन गए अच्छी, एक एक खिली खिली सिमइयाँ हैं। जर्दा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये जर्दा बन गया है, अब हम एक
प्लेट में निकाल लेंगे। कितना अच्छा अच्छे से तैयार हुआ है। एक एक सिमई किले के लिए है। अब हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे इसके ऊपर अच्छे से, और ये हमारा जर्दा बनके तैयार हो गया। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।